Hello students, I'm Ms. Priti Miss, and today we are going to learn long I sound word in English class. We have already revised short I sound words, so today we will be revising long I sound words, okay students? So now let's start. Long I sound. Magic E sings a silent song making the short sound of I long. अब यहाँ पे हम लोग ये शॉर्ट आई साउंड वर्ड को लॉन्ग आई साउंड वर्ड कैसे बना सकते हैं, ई लेटर लास्ट में ऐड करके, ओके, वर्ड का लास्ट में ई लेटर ऐड करके, ओके. और जब हम लोग ये ई लेटर ऐड करते हैं, ये ई लेटर वैसे जब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो साइलेंट हो जाता है, ठीक है. लेकिन ये क्या कर देता है, ई लेटर साइलेंट तो है लेकिन ये ई लेटर लगने से ये शॉर्ट साउंड वर्ड क्या चीज़ में बदल जाता है, लॉन्ग आई साउंड वर्ड में बदल जाता है, ओके. सो नाउ लेट्स सी दैट वर्ड. के आई टी ई, काइट, काइट, ठीक है. जब हम लोग के आई टी किट बोल रहे थे तो हम लोग को आई में ज़्यादा मतलब जोर नहीं लगाना पड़ा था, सिर्फ आई का हम लोगों ने साउंड जब बोला था शॉर्ट आई साउंड वर्ड तो आई का प्रोनाउंसिएशन ई सुनाई दे रहा था. लेकिन अब हम लोगों ने लास्ट में ई ऐड किया तो ये काइट का प्रोनाउंसिएशन क्या हो जा रहा है, काइट, आइट, ओके. आई और ई दोनों का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो ये शॉर्ट आई साउंड वर्ड को लॉन्ग आई साउंड वर्ड में चेंज करने में कौन सा लेटर मदद कर रहा है, ई, ओके. सो काई, के आई टी ई, काइट, काइट मीन्स पतंग, ओके. एच आई वी ई, हाइव, हाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, ओके. पी आई एल ई, पाइल, पाइल मीन्स ढेर, जैसे कि बुक्स का पाइल हुआ है ना, कोई भी चीज़ अगर हम एक साथ मतलब एक ढेर करके रखते उसको बोला जाता है पाइल. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्तियों का पाइल पड़ा हुआ है, मतलब पत्तियाँ एक जगह में इकट्ठा करके रखा है, ठीक है, एक ढेर बना के रखा है, ओके. एल आई एम ई, लाइम, एल आई एम ई, लाइम, लाइम मीन्स नींबू, ओके. लाइम का मतलब क्या होता है, नींबू. L I N E, line, line means रेखा, line खींचना, okay, that is called line, L I N E, line. तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने short sound word को long sound word में कैसे change किया, silent letter E लगा के, last में word का end में E लगा के हम लोगों ने short sound को long word में, long sound में change कर दिया, ठीक है. So students, this much for today. I hope you all understood. Okay, long I sound word भी मैं आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना, revise हो गया इसका भी, ठीक है. So thank you and have a nice day.